अरे ले लो मस्त प्योर कॉटन वाली कुर्ती ले लो। अरे ऐसी कुर्ती देखने को नहीं मिलेगी, अरे सबसे सस्ती और प्योर कॉटन, रेड कलर, मरगंडी कलर, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव कलर आपको नहीं मिलेंगे भाई। माँ देखो ना कितनी अच्छी ड्रेस है, मुझे भी दिलाओ ना। हाँ बेटा। अरे सुनिए। हाँ वो ये वाली ड्रेस कितने की है? कौन सी? ये वाली? ये वाली 700 रुपए और ये वाली 1000 रुपए, बहुत ही सस्ती बेच रहा हूँ, ले लीजिए। क्या इतनी महंगी? माँ ले लो ना, मेरे पास एक भी नई ड्रेस नहीं है, प्लीज मुझे दिला दो ना ये वाली ड्रेस। जब लेनी नहीं होती तो पूछते क्यों हो? मेरा टाइम खोटी कर दिया, आगे जाओ। चल बेटा। माँ प्लीज मुझे दिला दो ना ये वाली ड्रेस, माँ प्लीज प्लीज मेरे पास एक भी नई ड्रेस नहीं है, दिला दो ना प्लीज। अरे ले लो भाई, मस्त कुर्ती दे रहा हूँ। मुझे प्लीज दिला दो ना वो नई ड्रेस, मेरे पास एक भी नहीं। माँ देखो रिद्धि की ड्रेस कितनी अच्छी है, आप मुझे दिला देते तो। आप हमेशा कहते हो पर दिलाते कभी नहीं। बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुझे वो ड्रेस दिला पाती। आप हमेशा ऐसे ही करते हो, कभी मेरी बात नहीं मानते। क्या हुआ गुड़िया, तुझे तेरी मम्मी ने नई ड्रेस नहीं दिलाई? और दिलाते भी कैसे, इनके पास अच्छी ड्रेस लेने के पैसे ही नहीं होंगे, क्यों है ना? कोई बात नहीं, तू अपने पुराने कपड़े सालों साल पहन लेना, वैसे भी तुम लोग तो ऐसा ही करते हो ना। चल बेटा। हाँ हाँ जा काम ही कर, और नई ड्रेस का सोचना भी मत क्योंकि तू नहीं ले सकती नई ड्रेस। तू नहीं ले सकती नई ड्रेस। गुड़िया मेरी इन सारी ड्रेसों में से कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी है? वैसे तो सारी ड्रेस अच्छी है पर ये वाली सबसे अच्छी है। अरे मेरी ड्रेस नीचे रख। तुझे सिर्फ मैंने देखने को कहा और तूने सीधा मेरी ड्रेस अपने हाथ में ले ली। अरे बेटा गुड़िया तो बस। सुमित्रा आंटी आप इसे समझा के नहीं रख सकते? खुद को नई ड्रेस ले नहीं सकती और मेरी बिगाड़ने आ गई। पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है, तेरी तो औकात ही नहीं है कि तू ऐसी ड्रेस ले सके। सुमित्रा आंटी आगे से आप इसे अपने साथ मत लाना, और अगर आप इसे अपने साथ लाए ना तो मैं मम्मा को बोल के आप दोनों को काम से निकलवा दूंगी। आप ऐसा करोगे और मैं आपकी बात मान भी लूंगी, क्यों है ना? इतने बदतमीज कब से हो गए आप? हमने आपको यही सिखाया है कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो। गुड़िया ने आपकी ड्रेस को छुआ ही था ना, फाड़ तो नहीं दिया था, फिर इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की फीलिंग समझना ही भूल जाओ। अरे हाँ आपको सबसे इतनी प्रॉब्लम है तो एक काम करते हैं, गुड़िया और सुमित्रा को भी मैं काम से निकाल देती हूँ, मैं और पापा भी घर छोड़कर चले जाते हैं, फिर आप रहना अकेले सारी चीजों के साथ, ये तो ठीक रहेगा ना? नहीं नहीं मम्मा आई एम सॉरी, मैंने ये ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुमित्रा आंटी गुड़िया आप दोनों भी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। अब अरे तुम माफी मत मांगो। हाँ बेटा हमें आपकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। तो ठीक है अब से ये नई ड्रेस तुम्हारी, लो।